नमस्कार दोस्तों, मैं उसनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नौ हाल ही में क्या हुआ है कि जो अमेरिका की संसद है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका की संसद को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है और जो सांसद होते हैं उनको कहा जाता है कांग्रेसमैन। तो वहाँ पर एक प्रस्ताव डाला गया है वहाँ के एक सांसद के द्वारा कि जो पाकिस्तान के पास स्टेटस है मेजर नॉन नोटो अलाई का, वो उससे ले लिया जाए। अब ये प्रस्ताव डाला किसने है, तो ये प्रस्ताव डाला है एंडी बिक्स ने, जो रिपब्लिकन पार्टी के कंजर्वेटिव गुट से संबंधित हैं। यानी रिपब्लिकन पार्टी में कई सारे गुट हैं, उसमें से कुछ लिबरल हैं और कुछ कंजर्वेटिव हैं, इस तरह से। तो ये कंजर्वेटिव गुट है उससे ये संबंधित हैं। और जो ये सांसद हैं रिपब्लिकन हिंदू गठबंधन RSC के भी सदस्य हैं। तो इन्होंने ये प्रस्ताव डाला है कि जो पाकिस्तान है उसे जो मेजर नॉन नोटो अलाई का स्टेटस है वापस ले लिया जाए। अब नॉन नोटो अलाई का स्टेटस अगर पाकिस्तान के पास है तो उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले अगर इसको देखा जाए US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वेबसाइट के हिसाब से, तो जो मेजर नॉन नोटो अलाई होते हैं उनको अगर ये स्टेटस प्राप्त रहता है, तो अगर उनको कोई भी सुरक्षा से जुड़े सामान खरीदने, कोई भी हथियार वगैरह खरीदना होता है, तो उनको कुछ रियायत दी जाती है। मान लो कि कोई सामान है जो नॉर्मल किसी देश को 50 करोड़ में बेचा जाना है, वो अगर नॉन नोटो अलाई का किसी के पास स्टेटस है तो वो उसको लगभग में 45 करोड़ में दे सकते हैं। इस तरह से कुछ उनको कुछ परसेंट छूट मिलती है। इससे ऐसे देश जो मेजर नॉन नोटो अलाई का स्टेटस रखते हैं उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कोई भी ऐसे हथियार खरीदने में जो अमेरिका से वो खरीदना चाहते हैं। तो इस वजह से बहुत सारा फायदा होता है इसका। अगर देखा जाए कि अगर वो वॉर में चला जाता है तो उस वक्त अमेरिका उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगा। आप देखते भी होंगे कि किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान को बार बार मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता। अभी हाल ही में पाकिस्तान के फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए भी मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कराई है $450 मिलियन की। तो इस वजह से ये काफ़ी बार देखा जाता है कि जो मेजर नॉन नोटो अलाई मेंबर होते हैं उनको इस तरह के फ़ायदे मिलते रहते हैं। तो अब क्या है कि पाकिस्तान को इसमें से हटाने की मांग उठाई जा रही है अमेरिका के सांसदों द्वारा, बेसिकली जिन्होंने प्रस्ताव डाला है कि या तो आप इनको मेजर नॉन नोटो अलाई का स्टेटस से बाहर करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप क्लेरिफिकेशन दो कि क्यों नहीं कर रहे हो। कि जिस सांसद ने इस प्रस्ताव को डाला है उसने आरोप लगाया है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने जो हक्कानी ग्रुप था उसको अपने यहाँ से अभी तक नहीं निकाला है, और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको पाकिस्तान ने अभी भी चालू कर रखा है। इस वजह से पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है कि वो मेजर नॉन नोटो अलाई का स्टेटस धारण करे। इस वजह से उससे ये स्टेटस वापस ले लो। अब आप कहोगे कि ये हक्कानी ग्रुप कौन सा था जिस वजह से पाकिस्तान को ये स्टेटस गंवाना पड़ेगा इन द फ्यूचर अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, क्योंकि अभी ये प्रस्ताव कहाँ है, अभी ये फॉरेन मिनिस्ट्री में गया है। फॉरेन मिनिस्ट्री से आएगा, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, और उसके बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आएगा, और उसके बाद में इस पे अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का साइन, देखो अगर दोनों जगह से पास हो जाएगा तो बेसिकली उनको साइन बनाना ही पड़ेगा जो बाइडन को। और फिर इससे क्या होगा कि पाकिस्तान मेजर नॉन नोटो अलाई का जो स्टेटस है वो खो देगा, और इन द फ्यूचर रियायत दरों पर इसको हथियार नहीं मिलेगा, ये सब बात पाकिस्तान पर लागू हो जाएंगी, और पाकिस्तान का इससे ये नुकसान हो सकता है। और हक्कानी ग्रुप क्या था इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हक्कानी ग्रुप जो था ये वही ग्रुप है जो 1980 के आसपास में बनाया गया था, जब सोवियत संघ की सेनाएं लड़ रही थी अफगानिस्तान में, उस टाइम पे पाकिस्तान और USA दोनों ने मिलकर बात करी। बात ये करी कि ऐसा करते हैं कि एक आतंकवादी संगठन बना के खड़ा कर देते हैं और वो लड़ेंगे जो USSR की सेना है अफगानिस्तान में उससे, और उनको आप पनाह दे देना पाकिस्तान में, और लड़ेंगे जाके वो अफगानिस्तान में, और इस वजह से हम इनको मारकर भगा देंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं लड़ सकते हैं USSR से, हमारा कोल्ड वॉर चल रहा है तो हम दूर दूर से लड़ेंगे। तो इस पे पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा US ने दिया, और उसके बाद में हथियार दिया, गोला बारूद दिया, और पाकिस्तान में एक संगठन बना जिसको बोलते हैं हक्कानी नेटवर्क। तो हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में फैला और इसने तबाही मचाई अफगानिस्तान में। हक्कानी नेटवर्क्स ने 2007 में जलालाबाद में भारतीय दूतावास पर दो बार हमला किया था, और 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी की थी जिसमें 58 लोग मारे गए थे, और इसी ग्रुप ने 2009 में फिर से दूतावास पर हमला किया जिसमें 17 लोग मारे गए। इसने अफगानिस्तान में भारतीय हितों के खिलाफ कई हमले किए। इसी ग्रुप ने 2017 में काबुल में एक बहुत भीड़ भाड़ भरी एरिया थी यानी एक
छोटी मोटी मार्केट थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा थे। वहाँ पर एक ट्रक में बम विस्फोट कर दिया जिस वजह से 150 से अधिक लोगों की जान गई थी। तो इस वजह से ये ग्रुप एकदम से पागलों का ग्रुप है, लिटरली जानवरों का ग्रुप है। ये नहीं देखते हैं कि कौन मर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, बस इनको पैसा मिलना चाहिए, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जलालुद्दीन हक्कानी ने इसको फाउंड किया था 1980 के दशक में। लेकिन अब इसमें दिक्कत कहाँ से आ गई, जो 9/11 हमला हुआ उसको भी हक्कानी ग्रुप ने ही किया था, और हक्कानी ग्रुप को बनाने वाला भी अमेरिका था, और जो अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ वो भी हक्कानी ग्रुप ने किया, क्योंकि जो ओसामा बिन लादेन था वो आतंकी प्रशिक्षण उसने हक्कानी ग्रुप में ही प्राप्त की थी और अमेरिका के ही सहयोग से प्राप्त की थी। अमेरिका ने ही उसको हथियार वगैरह दिया था और पैसा दिया था और कहा था मारो इनको, सोवियत वालों को, जो सोवियत की सेना है अफगानिस्तान में इनको मार के भगा दो। तो इस वजह से जो सोवियत रसिया का उस टाइम पे सेना थी उसको ओसामा बिन लादेन ने मार के भगाने में तो सहयोग किया अमेरिका का, लेकिन सीरिया वगैरह में ज़्यादा बम्बार्डमेंट कर दिया अमेरिका ने, इस वजह से ओसामा बिन लादेन अमेरिका के ऊपर ही भड़क गया और उसने 9/11 का हमला कर दिया अमेरिका पे, और उसके बाद में अमेरिका ने उसको मारकर और फेंक दिया समुद्र में। बात क्या है कि पाकिस्तान ने हक्कानी ग्रुप का साथ नहीं छोड़ा, बनाया तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने साथ में मिलकर, लेकिन अमेरिका के ऊपर जब ओसामा बिन लादेन ने हमला कर दिया तो अमेरिका को इस ग्रुप से हो गई प्रॉब्लम और उसने कहा कि इसको मारो, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अपने यहाँ पनाह दे रखी थी, अभी भी दे रखी है। इसी वजह से अब अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि आप हक्कानी ग्रुप का अगर साथ नहीं छोड़ रहे हो तो हम आपसे जो मेजर नॉन नाटो अलाई का स्टेटस है वो छीन लेंगे, इन द फ्यूचर आपको मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, आपको सस्ते रेट पे कोई भी आर्म एम्यूनेशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे अगर आप हक्कानी ग्रुप का साथ छोड़ देते। आपने वो नहीं किया और बहुत सारे जो और टेररिस्ट हैं उनको आप फंड कर रहे हो, इस वजह से आप एलिजिबल ही नहीं हो कि आपके पास मेजर नॉन नाटो अलाई का स्टेटस रहे। ये प्रस्ताव डाला गया है वहाँ पे, इसको फॉरेन अफेयर्स ने पास कर दिया, उसके बाद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कर दिया, उसके बाद में यानी राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, और उसके बाद में जो बाइडन को तो दस्तखत करना ही पड़ेगा अगर मेजोरिटी से पास हो गया तो ये टैग छीन लिया जाएगा पाकिस्तान से और वो मेजर नॉन नाटो अलाई का मेंबर नहीं रहेगा। और वैसे भी अमेरिका के अधिकारियों का ये मानना है कि जो जलालुद्दीन है और जो सिराजुद्दीन हक्कानी है दोनों का पाकिस्तान के ISI के साथ निकटतम रिलेशन है, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान हक्कानी को एक एसेट के रूप में देखता है, अपनी संपत्ति के रूप में देखता है, जो भारत को अफगानिस्तान में टक्कर देने के लिए लिटरली यूज करता है। करता क्या है कि जैसे भारत ने कोई योजना वगैरह बनाई, कोई फंड वगैरह दिया, अफगानिस्तान में कोई डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो ये जो हक्कानी ग्रुप वाले ये आतंकवादी हैं ये जाके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्रो इंडियन अधिकारियों को अफगानिस्तान के ये हक्कानी ग्रुप वालों ने मार दिया, और बहुत सारा इंडिया का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था उसको इन लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश की, और कुछ तो टाइम ये लोग कामयाब भी हो गए। तो इस वजह से ये हक्कानी ग्रुप को पाकिस्तान इसीलिए पाल के रखा है कि इन द फ्यूचर इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान में यूज करेंगे, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हक्कानी ग्रुप का जो ओसामा बिन लादेन था उसने हमारे ऊपर हमला किया था 9/11, इसलिए हक्कानी ग्रुप से आप रिलेशन तोड़ दो नहीं तो हम आपसे रिलेशन तोड़ देंगे मेजर नॉन नाटो अलाई मेंबर का जो स्टेटस है वो लेकर। इसमें अब पाकिस्तान फंस रहा है, जो कि अमेरिकन ऑफिसर्स का भी ये मानना है कि पाकिस्तान ने अभी भी हक्कानी ग्रुप से अपना रिलेशन बना रखा है, और जो ISI है पाकिस्तान का और जो हक्कानी ग्रुप है इसकी सांठगांठ बहुत तगड़ी वाली है। जो अफगानिस्तान के अधिकारी हैं उनका कहना है कि हक्कानी का डेथ तो 4 साल पहले हो गया था, लेकिन उसको अगर ये रिवील कर देते हक्कानी ग्रुप वाले कि भाई इसकी डेथ हो गई जो हमारा लीडर था, तो जो ये लड़के थे इनके जो लिटिली इधर उधर आतंकवाद फैलाते थे ये फिर शांत पड़ जाते। इस वजह से इन्होंने बताया नहीं, और ये पब्लिकली रैली निकाल नहीं सकते थे क्योंकि ड्रोन से हमला हो सकता था या स्ट्राइक हो सकती थी इन लोगों के ऊपर। इस वजह से इन लोगों ने इसकी बॉडी वगैरह को दफना दिया था 4 साल पहले ही, रिवील जाके अब किया है 1 साल पहले कि जो जलालुद्दीन हक्कानी था उसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसकी डेथ 4 साल पहले ही हो गई थी। ये बस माहौल ना बिगड़ जाए इनके आतंकवादियों के आपस के संगठन में, इस वजह से इसको ओपन नहीं किया गया था। लेकिन ये बात क्लियर है कि जलालुद्दीन हक्कानी की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी हक्कानी ग्रुप एक्टिव है। उसी ग्रुप ने भारत की एम्बेसीज पे बहुत बार हमला किया है, लिटिली जलालाबाद में किया है, अफगानिस्तान में किया है, और ओसामा बिन लादेन उसी ग्रुप का था जिसने 9/11 कर दिया जाके अमेरिका में। अमेरिका ने ही हक्कानी ग्रुप को बनाया था 1980 के दौरान रसिया से लड़ाने के लिए अफगानिस्तान में,
तो ये सब बहुत बड़ा बवाल चल रहा है जो अमेरिका का ही बोया हुआ है, और वो खुद भी उसने काटा और उसको फिर समझ में नहीं आया तो वो कह रहा है कि इसको हटाओ। और ये बात सही है कि जो मेजर नॉन नोटो अलाई का स्टेटस है, पाकिस्तान से छीना जाना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों को फाइनेंस करता है और इन द फ्यूचर ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, अफगानिस्तान में भी, जम्मू कश्मीर में भी अस्थिरता बनाकर रखता है। तो इस वजह से अगर ये छीन जाता है तो अमेरिका जो ये मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता रहता है इसको, ये नहीं करवाएगा। जब ये वहाँ पे ऐसा कुछ प्रस्ताव लेकर आएंगे कि हम पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो वहाँ के सांसद इस बात को रेज कर सकते हैं कि भाई साहब आप क्यों वहाँ पैसा दे रहे हो, हमारा वो कोई नॉन नोटो अलाई भी तो नहीं है और ना ही कोई ऐसा रिलेशन है। अगर आतंकवादियों को उससे लड़ना है तो खुद से लड़े, उसने खुद पैदा किया है। तो इस वजह से ये एक काफ़ी अच्छा प्रस्ताव है। बाकी ऐसे प्रस्ताव पास बहुत ही मुश्किल से होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये प्रस्ताव लाया जरूर गया है अमेरिकी सांसद द्वारा। और जलालुद्दीन हक्कानी ने मुल्ला उमर के साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद नाम के एक पाकिस्तानी मदरसे में पढ़ाई की थी। तो ये सब आपस में भाई बंधु हैं जितने आतंकवादी हैं, और इन लोगों ने ही सारा खेल खराब कर रखा है। बाकी ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।